हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। आई एम डॉक्टर अतुल सिंह, एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेने के साथ ही पीजी में इंटरनल कोटा मिल जाता है। दोस्तों, आपको नीट यूजी की काउंसलिंग के समय ऐसी कॉलेजेस सेलेक्ट करना जरूरी है जहां पर आपको पीजी के लिए इंटरनल कोटा मिल जाए और आपको फ्यूचर में हेल्प हो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कॉलेजेस के बारे में जहाँ पर पीजी का इंटरनल कोटा होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा के बारे में। इंस्टीट्यूशनल कोटा के पीजी की सीट उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है। यह इंस्टीट्यूट टॉप रैंक कॉलेजेस होते हैं जहां पर आपको एमबीबीएस पढ़ने के बाद पीजी में भी फायदा मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि एम्स कॉलेजेस की। तो ऐसी कुछ ही एम्स कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको पीजी के लिए इंटरनल कोटा मिलता है, जो कि हैं एम्स दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना, एम्स भुवनेश्वर, रायपुर और ऋषिकेश। एम्स कॉलेजेस में आपको दो तरीके से इंटरनल कोटा मिलता है। पहला यह है कि आपने जिस एम्स कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करी है आपको सिर्फ वहीं पे फायदा मिलेगा। दूसरा यह है कि अगर आप किसी भी एम्स कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको सभी एम्स कॉलेजेस का फायदा मिलता है। एम्स कॉलेजेस के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करें तो जिपमर पौंडीचेरी और जिपमर कराईकल और साथ ही MGIMS वर्धा, AFMC पुणे और IGIMS पुणे, यहाँ पर भी आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है। यूनिवर्सिटी कोटा के पीजी इंटरनल सीट्स का फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी है या फिर एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेजेस से, जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर MAMC, UCMS और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, BSA एंड नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, BHU के अंडर IMS BHU और गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर BGMC मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। नीट पीजी के सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पर 50% सीट्स की काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और 50% सीट्स की स्टेट कोटा के थ्रू। नीट पीजी में स्टेट कोटा के लिए एलिजिबिलिटी हर स्टेट में वेरी करती है, जिसे कि हम अपनी डिफरेंट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर डोमिसाइल के अलावा वह कैंडिडेट्स भी कई स्टेट पर एलिजिबल होते हैं जहाँ से उन्होंने MBBS की हुई है। सो यूजी के समय ऐसे स्टेट में कॉलेज लेने की कोशिश करें जहाँ पर पीजी की सीट्स ज़्यादा अमाउंट में हों। अब हम देखते हैं ऐसे स्टेट्स को जो कि पीजी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। इन स्टेट्स में या तो पीजी की सीट्स ज़्यादा हैं या फिर स्टेट कोटा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो यह थी पीजी में इंटरनल कोटा से संबंधित पूरी जानकारी। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अब भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।